Hello students, welcome to RCA online class, class 9, subject mathematics. We are continue to discuss chapter 3. Today we are discussed one example. Plot the point P, Q and S. Find the coordinates of the point R. Okay, R coordinate we will find karna hai, such that PQRS is a square. But PQRS kya hai? Square. Ab square mein we know that all sides are equal. Then second, हमें determine the length of line segment SR in figure PQR. अब देखिए ग्राफ में P, Q and S को प्लॉट करेंगे, तो एक ग्राफ हमने ड्रॉ किया, X axis and Y axis. P पर है हमारे पास X पर positive 1 and Y पर 0. P 1 and 0. तो ये आएगा X axis पर P point. ये P point. Next है Q point 4,0. X पर 4 and Y पर 0. तो ये x एक्सिस पर ही आएगा 4,0 पॉइंट हमारे पास, और ये हमारे पास पॉइंट 1,0 पी पॉइंट. s पॉइंट 1,3, x एक्सिस पर तो 1 एंड y एक्सिस पर 3, लेकिन दोनों पॉजिटिव है. तो देखिए x पर 1 एंड y पर 3, तो s का जो पॉइंट कोऑर्डिनेट वो 1,3 यहां पर आएगा हमारे पास. अब हमें पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. देखिए आप जैसे कि हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में ड्रॉ किया, तो किसी भी पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हो तो उस पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मतलब कहने का मतलब उस पॉइंट से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर दें एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस. जैसे कि हम परपेंडिकुलर आर पॉइंट से ये ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो 4 पॉइंट से मीट करेगा, और वाई एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो 3. तो एक्स कोऑर्डिनेट को पहले राइट करते हैं, इट इज 4, एंड y कोऑर्डिनेट को बाद में राइट करते हैं सेकंड प्लेस पर, इट मींस 4,3. तो r के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आएंगे हमारे पास 4,3. तो r के जो कोऑर्डिनेट फाइंड हुए 4,3. अब हमें सेकंड क्वेश्चन फाइंड करना है, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट sr इन फिगर pqrs. pqrs में जो हमें लेंथ है वो फाइंड करनी है sr. देखिए ये लेंथ sr, ये फाइंड करना है. एस आर लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला आपको याद रखना है, डिस्टेंस ऑफ एस आर अगर हम यूज कर रहे हैं तो फॉर्मूला हम यूज करते हैं. सपोज हम एस आर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये एस आर है, तो फॉर्मूला सपोज इसके कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन एस के, और इसके एक्स टू वाई वन ऐसा एक्स वन वाई वन एंड एक्स टू वाई. तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर, सेकेंड माइनस फर्स्ट एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर, प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर, वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. हेयर अब देखिए जो हमारे पास s और r यहाँ गिवन है, फॉर्मूला तो ये यूज करेंगे ऑलवेज, स्क्वायर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर. अब s के कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन है 1,3 एंड r के हैं 4,3, तो हम इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले के अंदर स्क्वायर रूट एक्स टू की वैल्यू क्या है 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन 3 माइनस 3 होल स्क्वायर. अब देखिए इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये आएगा हमारे पास इक्वल टू में स्क्वायर रूट 4 में से 3 माइनस करेंगे 3 का स्क्वायर, 4 में से 1 माइनस किया 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 मल्टीप्लाई 3 9 प्लस 3 माइनस 3 0 और 0 का स्क्वायर 0, इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 मीन्स 3 यूनिट, 3 यूनिट. तो इस टाइप के एग्जांपल को ऐसे सॉल्व करेंगे, दैट इज आंसर. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, आप उनको इजीली अटेंड कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मेथड के अकॉर्डिंग.